हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे मशीन लर्निंग की नेक्स्ट एल्गोरिथम इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम। लीनियर रिग्रेशन में आपके पास जो डेटा था वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होता था, आपका न्यूमेरिक डेटा था, तो उसके बीच में आप एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, उनके बीच में आपको क्या रिलेशन डिफाइन करना था और उसके थ्रू आप क्या करते थे, मॉडल डिजाइन करते थे और प्रिडिक्ट करते थे अपना आउटपुट। बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपका तब यूज होता है जब आपका कैटेगोरियल वैल्यू हो। कैटेगोरियल वैल्यू वेरिएबल, कैटेगोरियल वैल्यू का मतलब क्या है, आपका यस एंड नो की कंडीशन हो या आपका ट्रू फॉल्स की कंडीशन हो, 0 1 बाइनरी फॉर्मेट में कोई वैल्यू हो तो वहां पर फॉल्स ट्रू फॉल्स की कंडीशन है, इसे आप डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए आप डायरेक्टली लीनियर रिग्रेशन को यूज नहीं कर सकते, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन को, क्योंकि इसमें जो है आपका एक कर्व डिजाइन होता है, एक स्ट्रेट लाइन डिजाइन हो जाती है, जिससे आप फाइंड आउट नहीं कर पाते प्रॉपर वे में कि मॉडल आपका प्रॉपर वे में डिजाइन है या नहीं है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम व्हिच कम अंडर द सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है आपकी टू प्रिडिक्शन द कैटेगोरियल डिपेंडेंट वेरिएबल। आपका कैटेगोरियल डिपेंडेंट, आप कैटेगोरियल वैल्यू क्या होती है, जैसे आपने मान लीजिए कोई आपके पास डेटा सेट है जिसमें टाइम है आपका, कोई एड आपका डिफाइन हो रहा है जिसमें टाइम दे रखा है और क्लिक ऑन एड, एड पे आप क्लिक करें, अब कुछ टाइम है आपका 68 है, 67 है, 50 है, इस पे आपका यस नो इस टाइप से चल रहा है, यस चल रहा है, फिर आपका नो चल रहा है। तो ये जो डेटा है ये कैटेगोरियल डेटा है, इसके बीच में जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस टाइप से आपका डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो जाता है। तो आपने यहाँ पर टाइम ले लिया, यहाँ पर आपने इसका क्या कि क्लिक ऑन ऐड ले लिया, ये वाई है, ये आपका एक्स है, इसके बीच में जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ हो जाता है, और जिसमें आप ये डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट होगा। तो इसको रिड्यूस किया ये लीनियर रिग्रेशन में, आप लीनियर रिग्रेशन में अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसमें भी ये इसी टाइप का आपका ग्राफ ड्रॉ करेगा, जिसके थ्रू आप प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते कि आपका जो मॉडल है वो प्रॉपरली डिजाइन है या नहीं है। तो उसी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसमें क्या करते हैं, जो कैटेगोरियल डेटा है उसको एक प्रॉपर न्यूमेरिक फॉर्मेट में या हम लोग इसको प्रोबेबिलिटी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग सिग्मोइड फंक्शन। वो एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, सिग्मोइड फंक्शन, आगे मैं बताऊंगा आपको वो भी। सो थोड़ा सा ये देख लीजिए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ कैटेगोरियल डिपेंडेंट वेरिएबल, देयर आउटकम मस्ट बी कैटेगोरियल और डिस्क्रीट वैल्यू। It can be dependent value, therefore the outcome must be categorical or discrete value. It can be either yes or no, yes no format में हो सकता है आपका, 0 1 की form में हो सकता है, true for false की form में हो सकता है। इस type का अगर आपके पास data हो तो उसको आप हम लोग बोलते हैं categorical data. So but instead of giving the exact value of, इसका आप exact value बताएंगे 0 and 1, क्योंकि आपका data जो है binary format में आप represent करेंगे, and it gives the probabilistic value which lie between 0 से 1, 0 से 1 के बीच में आपकी probabilistic value जो होती है वो find out होती है using sigmoid function। अब sigmoid function कैसे work करता है आपका, जैसे मान लीजिए आपने y लिखा equal to 1 upon 1 plus e की power minus x, ये आपका एक sigmoid function है जिसके through आपकी जो categorical data होगा उसको आप किस में convert कर देंगे, as a probabilistic data, probabilistic value format पे convert कर देंगे, जो आपका lie करेगा 0 से 1 के बीच में, and इसके through आपका graph जो है वो draw होता है। तो logistic regression equation can be obtained from the linear regression, linear regression equation से ही आपका ये find out होता है, इसमें भी आपकी जो equation होती है straight line के through ही design होती है, and इसी के through आपका data जो है वो access भी होता है। तो अब हम लोग अगर टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करें तो तीन टाइप की आपकी लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसमें क्रिएट होती है। एक बाइनोमियल होता है जिसमें केवल दो ही वैल्यू होंगी, या तो ट्रू फॉल्स होगा या ट्रू 0 1 होगा, पास फेल होगा। तो इस टाइप का अगर बाइनोमियल आपका डिजाइन होता है बाइनोमियल टू, तो उसको बोलते हैं आपका बाइनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। दूसरा होता है मल्टीनोमियल, जिसमें तीन वैल्यू आपकी होती हैं और मोर पॉसिबल हो सकती है, मल्टीनोमियल का मतलब है इससे ज्यादा भी आपकी हो सकती है, जिसमें आपकी जैसे देखिए सच एज कैट डॉग सिप, इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो वहां पर आपका मल्टीनोमल का यूज होगा। और ऑर्डिनोमल इज ऑर्डिनोमल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, देयर कैन बी 3 or more पॉसिबल ऑर्डिनेंट टाइप ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे आपको 3 या 3 से ज्यादा वैल्यू पे आप काम करें तो वो आपका होता है ऑर्डिनेंट, जिसमें आपका लो मीडियम हाई, ये तीन कैटेगरी है, एक लो है, एक मीडियम है, हाई है। तो उस टाइप की आपकी कंडीशन को आप क्या किसके अंदर लिखते हैं, ऑर्डिनल
लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर इसको डिफाइन करेंगे। तो देखिए, जब आपका कैटेगोरियल डेटा होता है, मान लीजिए आपने कुछ डेटा यहाँ पर बनाया, अभी हमने क्लिक के लिए यूज किया था, क्लिक ऑन एड आपने किया, यहाँ पर कुछ नंबर आपने दिए 58, 68, 79, 36 एंड यहाँ पर आपने लिखा यस, क्लिक ऑन यस, नो, यस, नो, इस टाइप से आपने क्लिक ऑन एड, आपका साइट पे क्लिक आ रहा है तो उस पर आपने एड पे क्लिक किया है नहीं किया है, उसकी आपको कंडीशन फाइंड आउट करनी है, उसके बीच में आपको एक मॉडल डिजाइन करना है। अगर आप कैटेगोरियल डेटा से ही इसको डिफाइन करेंगे तो इस टाइप का आपका ग्राफ डिजाइन होगा। जब आप इसमें सिग्मोइड फंक्शन का यूज करेंगे, सिग्मोइड फंक्शन का यूज करके आप इसे एज अ ई की पावर माइनस एक्स, ये आपका सिग्मोइड जो है वो फंक्शन होता है। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टू द प्रोबेबिलिस्टिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेगा, जिसके थ्रू आपका जो ग्राफ ड्रॉ हो जाता है वो इस टाइप से आपका ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो जाएगा इस टाइप से, जिसमें ये आपका एक डेड लाइन होगी, मतलब ये मीडियम लाइन होगी, ये जीरो से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा आपका लास्ट वैल्यू वन, जो भी आपका डेटा होगा वो देखिए ये पॉइंट है आपके, मान लीजिए ये इसके बीच में ही लाई करेंगे, जीरो एंड वन के बीच में ही आपका क्या होगा डेटा लाई करेगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन बोलते हैं। एंड जो मीडियम वाली लाइन होगी वो आपकी 0.5 होगी, तो कंसीडर आप इसको करेंगे। अब देखिए इसमें दो कैटेगरी आपकी बन जाएंगी, ये क्लास आपकी ए हो जाएगी एंड ये क्लास आपकी क्या हो जाएगी बी, तो दो कैटेगरी आपकी यहाँ पर क्रिएट हो गई जिसके थ्रू आप मॉडल को डिजाइन कर सकते हैं और उसके थ्रू डायरेक्टली आप डेटा क्या करेंगे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इनका यूज कहां पर होता है आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, फ्रॉड डिटेक्शन है आपका, कहीं पर आपको फ्रॉड को डिटेक्ट करना है, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज करते हैं, डिजीज डायग्नोस्टिक के लिए आप यूज करते हैं, डिजीज है आपकी उसको डायग्नोस्टिक करना है आपने उसके लिए यूज करेंगे, ईमेल स्पैम आपको फाइंड आउट करना है, स्पैम फाइंड आउट करना है, स्पैम है या नहीं है ईमेल उसको आपको फाइंड आउट करना है, तो वहां पर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज करते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी डिटेक्शन आपको करना है, इमरजेंसी डिटेक्शन के लिए भी आप किसका यूज करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट आपकी कंडीशन थी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इस टाइप से आपका परफॉर्म होता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एक चीज और आती है आपकी, इसमें आपका जब आप प्रिडिक्ट करते हैं डेटा तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपका जनरेट होता है, तो वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे होता है, कैसे डिजाइन होता है, क्या उसकी कंडीशन है, वो हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।